वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत होगी या जेल में ही रहेंगे, सब नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अलजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाप्त आज होगी। वीडियो केस में साबिक जज अरशद मलिक का वजाहती बयान और बयान हल्फी भी अपील का हिस्सा। एहतसाब अदालत लाहौर में हाई प्रोफाइल मुकदमा की समाप्त आज होगी। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को पेश किया जाएगा। रमजान शुगर मिल स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की भी पेशी। आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज तोरखम बॉर्डर 24 घंटे खुले रखने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे पर 16 अरब रुपए लागत आएगी। ताजिरों का मुतालबा पूरा, तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस पेशावर में अहम मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। दिसंबर तक इमरान खान हुकूमत के खात्मे की तहरीक पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुल्कगीर दौरों पर भी मुशावरत होगी। मुल्क भर में डेंगू के वार, रावलपिंडी में 2400 अफराद मुतासर, सिंध में 2000 और खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 1638 हो गई। पेशावर में 985 अफराद में वायरस, लाहौर में 1135 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की औरंगी टाउन में कार्रवाई, दो इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स गिरफ्तार। टारगेट किलर जीशान चिली और फराज फज्जू का ताल्लुक एमजीएम लंदन से है। गिरफ्तार टारगेट किलर पुलिस अहलकारों समेत दीगर के कत्ल में मुलव्वस। यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर 12 बरस बाद बहस, कई अराकीन ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल कयामत खेज करार दे दी। लिबरल पार्टी के अराकीन ने भारत के तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद शफक ने जोर दिया कि यूरोप इंसानी हकूक के लिए खड़ा हो। हॉलीवुड के अदाकारों रिज अहमद और जमीला जमील का मोदी को अवार्ड देने पर गेट्स फाउंडेशन की तकरीब में शिरकत से इनकार। दोनों अदाकारों ने चौथे सालाना गोलकीपर अवार्ड की तकरीब से अपने नाम वापस ले लिए। और सऊदी अरमको तंसीबात पर हमलों के 3 रोज के बाद तेल की सप्लाई बहाल। वजीर तवानाई के मुताबिक अक्टूबर में सऊदी अरब की यौमिया पैदावार 98 लाख बैरल हो जाएगी। सऊदी हुकाम आज हमले में इस्तेमाल ईरान के हथियार मीडिया को दिखाएंगे।